हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुदीक्षा फ्रॉम माय कॉलेज पढ़ी एंड आज हम बात करने वाले हैं आईपीयू सीईटी के नए अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीयू ने अपने रिसेंटली एडमिशन फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड कर दी है टिल 15th ऑफ मे। उसके साथ साथ आईपीयू ने अपने एग्जामिनेशन मोड भी चेंज कर दिया है। तो बिफोर डैट पहले एक बार स्कीम से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फिर से। पहले जैसा ही है सब कुछ, आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट्स मतलब 2.5 आवर्स आपको मिलेंगे। मार्किंग स्कीम भी वही सेम है, 400 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको +4 मिलेंगे, गलत के आपको -1 एंड अनअटेम्प्टेड के आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। एंड और एक चीज, किसी भी रीजन के लिए अगर आप एग्जाम के लिए अपेयर नहीं कर पाए, वो कुछ भी रीजन हो, कुछ भी अनहैपनिंग रीजन हो, अगर आप एग्जाम के लिए अपेयर नहीं कर पाए, आपके लिए आईपीयू फिर से रीटेस्ट एक कंडक्ट नहीं करेगा एंड आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं या करने वाले हैं, आप इस चीज को अपने ध्यान में लेकर चले। अब आते हैं एग्जामिनेशन मोड के ऊपर। जैसे कि पहले एग्जामिनेशन मोड सीबीटी था, सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो अब आपको ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ऑफलाइन मोड में देना पड़ेगा एंड OMR शीट भरनी पड़ेगी आपको इसके लिए। इसके साथ साथ आपके 4 सेक्शन की वेटेज थी वो भी चेंज हो चुकी है हर एक डिवीजन का। सो आप वो भी GGSIPO के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ब्रोशर एंड नोटिस अपलोडेड है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे कोर्स वाइज सब कुछ इन डिटेल एक्सप्लेन्ड है। ऑल्सो IPO के जो टेंटेटिव डेट्स है एग्जाम के लिए, वो 30 मई से 15 जून के बीच में हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके डेट्स क्लैश करेंगे CUET एंड IPO CET के, तो वो टेंशन नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना लॉस नहीं करवाएगी साथ में एग्जाम करवाकर। होपफुली अभी तक आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड अगर आपको और कुछ चेक करना है, आप वो नोटिस एंड ब्रोशर GGSIPO की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एक बार चेक कर सकता है, खुद से रीड कर सकता है फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। एंड और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक दे रखी है, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको कॉलेज से कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो कॉलेज से रिलेटेड, आप वहाँ पे जाके माय कॉलेज बड़ी के कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।